गाइस, ये जो अपनी वीडियो है ये अपनी पार्ट टू वीडियो है किडनी के ऊपर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे किडनी के सारी कवरिंग के ऊपर। और अगर आपने मेरी पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले आपको यही सजेशन करूंगा कि आप पार्ट वन वीडियो देख लें, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, उस पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको पूरा किडनी के एक्सटर्नल फीचर और रिलेशन मैंने दिखाए थे, वो भी 3D मॉडल के साथ। तो क्या होगा, आपको ये वाली जो वीडियो है ना और अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आपने मेरी पार्ट वन वीडियो देख रही है तो अगर आपने मेरी पार्ट वन वीडियो देख रखी है तो अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली में अब मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम हटा के, तो आपको क्लियरली दिखेगा एक्चुअली जो किडनी जो होती है ना उसकी चार कवरिंग होती है। किडनी के सबसे बाहर, मतलब किडनी के एकदम बाहर आपकी प्रेजेंट होगी एक फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद आपको थोड़ा फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको अपन कहते हैं प्री नेफ्रेटिक फैट। उसके बाद एक फेशिया होती है, रीनल फेशिया, उसके बाद फिर से फैट की एक लेयर होती है, उसे अपन बोलते हैं पैरा नेफ्रेटिक फैट। तो कुल मिला के जो किडनी है उसमें आपके चार लेयर्स होती हैं, फाइब्रस कैप्सूल, प्री नेफ्रेटिक फैट और रीनल फेशिया और पैरा नेफ्रेटिक फैट। अब उसमें जो रीनल फेशिया जो है एक्चुअली में क्या, ये थोड़ा सा अपन को कन्फ्यूज करती है जब उसका एक्सटेंशन अपन देखते हैं ना तब। लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा डिटेल में, और आपको वीडियो के एंड तक ना पूरी की पूरी जितनी भी कवरिंग होती है ना वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले अपन डिटेल में देखते हैं एक एक को। सबसे पहले अपन देखते हैं फाइब्रस कैप्सूल। अब एक्चुअली में क्या रहता है, किडनी के जस्ट बाहर आपका प्रेजेंट रहता है फाइब्रस कैप्सूल, और जो फाइब्रस कैप्सूल जो है वो अपनी है थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो आपके पूरे किडनी को क्लोजली कवर करती है। अब क्या रहता है, इसमें BDC में क्लिनिकल पॉइंट लिखा हुआ था तो मैंने भी एज इट इज लिख दिया। एक्चुअली में ये जो है कीवर्ड लाइन है, उसमें ये बोला कि एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मली जब अपन किडनी में जब अपन फाइब्रस कैप्सूल हटाते हैं तो नॉर्मली वो इजीली हट जाती है, वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाती है। लेकिन कभी कभी सर्टेन डिसीज में क्या होता है, ये जो फाइब्रस कैप्सूल है वो किडनी से बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी, अच्छे से अडरेंट हो जाएगी और वो आपको उससे निकल नहीं पाएगी। तो इस तरीके से अपन को पता चल जाएगा कि किडनी नॉर्मल है कि किडनी में डिसीज है। तो ये किडनी क्लिनिकल पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने भी आपको एज इट इज लिख दिया, ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देन फिर अपन देखें प्री नेफ्रेटिक फैट पे, तो प्री नेफ्रेटिक फैट पे कुछ खास नहीं लिखा, यही है कि ये एक लेयर है एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। देन अब अपन आते हैं मेन रीनल फेशिया पे। अब मेनली अपन ने फेशिया क्या देखा था, जो मसल की जो कवरिंग है उसी को अपन बोलते हैं फेशिया। यहाँ पे वो किडनी को कवर कर रहा है इसलिए इसका नाम है रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया एक फाइब्रो एरियोलर शीथ है, ठीक है, जो कि किडनी को कवर कर रही है। उसके अलावा ये जो फेशिया है ना, ये एक्चुअली में अपनी दो लेयर से बनती है, ठीक है, एक इंटीरियर लेयर दूसरी पोस्टीरियर लेयर। तो इसकी इंटीरियर लेयर को अपन बोलते हैं फेशिया गैरोटा और इसकी पोस्टीरियर लेयर को अपन बोलते हैं फेशिया जकर कैंडल। ये एक्चुअली में जो है साइंटिस्ट के नाम है, इसलिए थोड़े से आपको अजीब लग रहे होंगे सुनने में। तो अब अपन इसका देखते हैं एक्सटेंशन। तो यार इसके एक्सटेंशन को दिखाने के लिए ना मैं आपको उसको ड्रॉ करके बताता हूँ डायग्राम से, तब आपको और ईजिली समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिखेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका आपको व्यू दिखाऊँ, कौन से व्यू से अपन ने डायग्राम बनाया है, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये अपन है अपने इंटीरियर से देख रहे हैं। देन इसको अगर अपन पोस्टीरियर में ले जाएँ और ऊपर से देखें ये ऐसा, तब अपन को ये डायग्राम देखने को मिलता है। मतलब ये अपना सुपरफिशियल व्यू से डायग्राम है। तो अपन ने अगर आप पहले किडनी को ऐसा कट कर दिया सुपरफिशियल में, तो ये आपकी बन गई पूरी किडनी। वो किडनी के जस्ट बाहर डार्क ब्राउन से मैंने आपके लिए बनाया है फाइब्रस कैप्सूल। उसके अलावा किडनी के जस्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, अपना प्रेजेंट होगा लंबर वर्टिब्रा। तो ये है अपना लंबर वर्टिब्रा, और लंबर वर्टिब्रा पे जो है एक्चुअली में अपनी दो मसल होती हैं, एक का नाम है श्वास मेजर मसल, दूसरी क्वाड्रेटस लंबर मसल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और उसको बनाने का तुम क्या तरीका भी देख लो, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यूनिवर्सिटी में ये क्या क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब कि पूरे किडनी पे वो लॉन्ग क्वेश्चन ना देके किडनी के एक सेगमेंट से वो शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है। तो उसको मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में भी आपको लिख के आना है। तो पहले आप इसका डायग्राम समझ लो। पहले अपन ने सुपरफिशियल सेक्शन से देख रहे हैं, इसलिए अपन ने पहले बनाई लंबर वर्टिब्रा, देन उसमें दो मसल बना देना अटैच, एक श्वास मेजर और दूसरी क्वाड्रेटस लंबर मसल। और पार्ट वन वीडियो में मैं आपको ये दिखा भी चुका हूँ 3D में। फिर आप बना देना किडनी, और फिर किडनी के आप बना देना फाइब्रस कैप्सूल। और किडनी के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रही है रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन, तो ये दोनों भी आप बना देना। देन अब मैं इसकी कवरिंग बनाऊँगा आपको, तो मैं क्या दो पैन से आपको बना के बताऊँगा। इंटीरियर वाली जो होती है, अब जो रीनल फेशिया है ना वो बना रहे हैं अपन, ठीक है।
वो तो अपन को पता है रिनल फेशिया अपनी होती है दो लेयर्स की, तो एंटेरियर वाली बनाऊँ सबसे पहले। ये हो गई रिनल फेशिया की अपनी एंटेरियर मेम्ब्रेन, ठीक है। वहीं पोस्टीरियर वाली में डार्क ब्राउन से बनाऊंगा, और ये हो गई रिनल फेशिया की पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। तो रिनल फेशिया की एंटेरियर लेयर और रिनल फेशिया की पोस्टीरियर लेयर। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो लेटरल में, तो दोनों लेयर रहती है ना अपनी रिनल फेशिया की, एक एंटेरियर लेयर दूसरी पोस्टीरियर लेयर, वो दोनों आपके ज्वाइन हो जाती हैं। ये देखो ये दोनों आपकी हो जाती हैं फ्यूज, और आपके कॉमन फेशिया बना लेती हैं, फेशिया ट्रांसवर्सलिस उसमें जाके कंटिन्यू हो जाती है। अपन को सिर्फ जो रिनल फेशिया है ना उसके एक्सटेंशन में यही देखना है कि मीडियल में और लेटरल में किस तरीके से फ्यूज हो रही है और कौन सी मेम्ब्रेन में आगे जाके कंटिन्यू होती है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लो, एक इसकी थी एंटेरियर लेयर, दूसरी है पोस्टेरियर लेयर रिनल फेशिया की, एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों लेटरल साइड में अपनी हो जाती हैं ज्वाइन, और ये फिर कंटिन्यू हो जाती हैं एज ए फेशिया ट्रांसवर्सलिस में। वहीं अगर अपन मीडियल में देखें तो मीडियल में क्या होता है, ये जो फेशिया है एंटेरियर फेशिया वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक एंटेरियर पार्ट दूसरा पोस्टेरियर पार्ट। मैं आपको बना के बताऊं, ये मीडियल में ये जो इंटेरियर फेशिया है ना ये एक इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगा, ये कुछ यूं ये इंटेरियर में एक्सटेंड कर जाएगा। ये अपनी है रीनल वेन रीनल आर्टरी, ये है अपना इन्फीरियर वेने कावा और ये अयोटा, तो इन दोनों के फ्रंट में ये जो है अपना एक्सटेंड कर जाएगा, और सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो किडनी है ना उसमें जाके कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। वहीं अपन नीचे की साइड आए मीडियल में भी नीचे वाली साइड में, तो वहीं अपन मीडियल में भी पोस्टीरियर वाले साइड में आए, तो क्या होता है ये अपनी पोस्टीरियर लेयर ये है इंटीरियर लेयर, ये दोनों की दोनों हो जाती हैं फ्यूज। फ्यूज होने के बाद ये किडनी के बिहाइंड में ये अपना आप क्या प्रेजेंट है, ये है अपना क्वाड्रेटस लंबर मसल और ये है श्वास मेजर मसल, तो इस मसल की भी एक होगी कवरिंग, ये है क्वाड्रेटस लंबर की फेशिया और ये अपन बनाते हैं श्वास मेजर मसल की फेशिया। तो पोस्टीरियर लेयर फिर इस फेशिया में कंटिन्यू हो जाएगी, ये आपका ऐसा यूँ कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो आपको क्लियरली इसके दोनों एक्सटेंशन दिख गए होंगे कि लेटरल में एंटेरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ज्वाइन होकर आपकी बना लेती हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस, वहीं मीडियल वाले पार्ट में इंटीरियर में ये फेशिया आपका इन्फीरियर वीने कावा एंड अयोटा के फ्रंट में एक्सटेंड करके सिमिलरली साइड में चली जाएगी अपोजिट साइड में, वहीं मीडियल के ही पोस्टीरियर में ये आपका किडनी के बिहाइंड में एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये अपन ने इसके मीडियल और लेटरल एक्सटेंशन देख लिए रीनल फेशिया के। अब मैं आपको क्या इसके सुपरफिशियल एंड इन्फीरियर भी बताता हूँ। इसको बताने के लिए फिर से तुम्हें क्या मुझे 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा। अभी अपन ने मतलब सुपरफिशियल से क्या करें, इसके मीडियल और लेटरल वाला एक्सटेंशन देख लिया, लेकिन अब अपन देखते हैं इसके ये वाला एक्सटेंशन कि सुपरफिशियल में और इन्फीरियर में किस तरीके से एक्सटेंड होता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम को अगर मैं समझाऊँ आपको, ये क्या है, ये है अपना पूरा किडनी है, मतलब अब अपन ये किडनी को इस सेक्शन में देख रहे हैं, ये लेटरल वाले सेक्शन में देख रहे हैं, ओके। और किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। अपन ने पहले किस सेक्शन में देखा था, इस सेक्शन में सुपरफिशियल में, और अपन देख रहे हैं ये वाले सेक्शन में। बिल्कुल क्या सेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर अपन देखें तो ये है अपनी किडनी, और किडनी के जस्ट बाहर आपका प्रेजेंट है फाइब्रस कैप्स्यूल, ओके। देन ये है अपना सुपर रीनल ग्लैंड। अब क्या होता है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। अब इस साइड अगर अपन बनाए तो ये जो लेयर है ये है इसकी एंटेरियर लेयर और ये वाली है इसकी पोस्टीरियर लेयर। तो ये दोनों लेयर क्या कर रही हैं अपना सुपरफिशियल में किडनी के ऊपर, ये किडनी को पहले पूरे तरीके से कवर कर रही हैं, उसके बाद सुप्रा रीनल ग्लैंड है ना ये सुप्रा रीनल ग्लैंड को भी कवर कर रही हैं। पहले मैं पूरा किडनी को कवर कर देता हूँ, तो ये देखिए इसने पूरा किडनी को कवर कर लिया। देन किडनी के ऊपर जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है ना ये उसको भी पूरा कवर कर देती हैं, और फिर ये आपकी दोनों मिलके बना लेती हैं डायफ्रामेटिक फेशिया। मिलके नहीं बनाती मतलब ये दोनों कंटिन्यू होती हैं फिर डायफ्रामेटिक फेशिया में। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि दोनों लेयर्स सेपरेट होती हैं अलग अलग, एंटेरियर लेयर पोस्टेरियर लेयर दोनों अपनी किडनी को पूरा कवर करके, सुप्रा रीनल ग्लैंड को भी अच्छे से कवर करके,
कंटिन्यू हो जाएंगी डायफ्रामेटिक फेशिया में। वहीं अगर अपन नीचे की साइड जाएं इन्फीरियर में, तो इन्फीरियर में क्या होता है, ये इंटीरियर फेशिया जो है ये अपनी अलग होगी, मतलब इन्फीरियर में फ्यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये इंटीरियर वाली, यहाँ पे फैट प्रेजेंट रहता है जिसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, उसमें जाके वो कंटिन्यू हो जाती है। और वहीं ये वाली लेयर जो है ना, पोस्टीरियर वाली लेयर, ये वाली अपनी फेशिया इल्याका में कंटिन्यू हो जाती है। इसको मैं नोट्स में भी बता दूंगा। तो अब आपको क्या, इसके सारे एक्सटेंट जो हैं अच्छे से कवर हो गए होंगे। और यार ये जो है ना यार, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये दोनों डायग्राम से बना के बताया ना इसके एक्सटेंशन, तो आपको सारे एक्सटेंशन समझ में आ गए होंगे। इस सेक्शन से आपको सुपरफिशियल व्यू से देखने से मीडियल और लेटरल एक्सटेंशन समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पे आपको सुपरफिशियल और इन्फीरियर समझ में आ गए होंगे। और यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे नोट्स बना रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ, और आप देखो बिल्कुल कलरफुल डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल पर तुम लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते ही हो, उसके अलावा तुम्हें मेरी वीडियो को शेयर करना है। इतने ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करो ना, तुम्हें कहाँ शेयर करना है, इसके लिंक लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दो, और उसमें लिखो कि सर की वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने स्टेटस में लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, और मेरा जो है मेरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस वीडियो से हेल्प हो पाए, और यही मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा यार। अगर इतना तुम कर देते हो ना, तो यही मेरा रिवॉर्ड मैं समझ लूँगा कि हाँ भाई तुमने मेरे लिए इतना कर दिया। तो अब मैं आपको फर्दर इसको अगर मेरे नोट्स में दिखाऊँ, सबसे पहले अगर अपन देखें सुपरफिशियल में, ये अपने रीनल फेशिया का अपन देखते हैं एक्सटेंशन, क्या लिखा है कि दोनों लेयर जो हैं, टू लेयर्स एनक्लोज सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड को एनक्लोज कर लेती हैं, देन फ्यूज ईच अदर, दोनों एक दूसरे में फ्यूज होके कंटिन्यू हो रही है अपनी डायफ्रामेटिक फेशिया में, तो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। देन इन्फीरियर में नीचे साइड, टू लेयर्स रिमेन सेपरेट, दोनों लेयर सेपरेट होती हैं, इसकी जो एंटीरियर लेयर है ये वाली लॉस्ट इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू में जाके लॉस हो जाएगी, वहीं पोस्टीरियर वाली जो है वो आपकी ब्लेंड हो जाएगी विथ फेशिया इल्याका में, मतलब फेशिया इल्याका में ही कंटिन्यू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहा है। देन वहीं अपन जाए लेटरल में, तो लेटरल में अपन ने क्या देखा था कि दोनों लेयर कंटिन्यू हो रही हैं एज ए फेशिया ट्रांसवर्सलिस में, तो यहाँ पे ये लिखा है लेटरल में दोनों लेयर यूनाइट हो जाती हैं और कंटिन्यू होती हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस में। देन अब अपन देखते हैं मीडियल में, तो मीडियल में थोड़ा सा थोड़ा वो था अपना टेक्निकल था कि मीडियल में एक होती है इंटीरियर लेयर जो कि पासेज इन द फ्रंट ऑफ किडनी एंड मर्ज विथ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग आयोटाइन इन्फीरियर वीने कावा, ये किडनी के फ्रंट में हो जाती कंटिन्यू आयोटाइन इन्फीरियर वीने कावा के फ्रंट में। वहीं इसकी जो पोस्टीरियर लेयर थी ना ये वाली, वो किडनी के बिहाइंड जा रही थी और अटैच हो रही थी आपकी क्वाड्रेटस लंबर एंड श्वास मेजर मसल की फेशिया से। तो सारे अपन ने इसके एक्सटेंशन देख लिए, फिर अपन देखते हैं ये आपके पैरानेफ्रेटिक फैट में, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये लिखा है कि ये भी अपनी क्या है, ये अपनी फैट की एक लेयर होती है जो कि किडनी के जस्ट बाहर प्रेजेंट होती है, जो अपनी रीनल फेशिया है ना उसके जस्ट बाहर आपके प्रेजेंट होती है ये लेयर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये है अपना किडनी, उसके जस्ट बाहर फाइब्रस कैप्सूल, फिर आपका एक और फैट की लेयर प्रेजेंट होगी उसे अपन बोलेंगे प्रीनेफ्रेटिक फैट, फिर आपका प्रेजेंट है रीनल कैप्सूल, उसके बाहर फिर आपका एक और प्रेजेंट होगी फैट की लेयर जो कि होती है पैरानेफ्रेटिक फैट। तो पूरा मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। देन अब अपन क्या करते हैं, किडनी का ब्लड सप्लाई भी देख लेते हैं। यार इसका ब्लड सप्लाई जो है ना खास इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार देख लेते हैं, पता होना चाहिए कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है किडनी पे। तो अब तुम देखो जो किडनी है ना, सबसे पहले जो एब्डोमिनल आयोटा है ना वो डायरेक्ट अपनी एक ब्रांच देता है, उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। देन ये रीनल आर्टरी अपनी 5 सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, देन उन्हीं 5 सेगमेंटल आर्टरी में से अपन एक सेगमेंटल आर्टरी लेते हैं, तो फिर ईच सेगमेंटल आर्टरी अपनी एक देती है लोबार आर्टरी, आपसे नाम नाम सुन लो फ्लो चार्ट के फॉर्म में। देन ये जो लोबार आर्टरी है ना वो आपकी देती है इंटर लोबार आर्टरी, लोबार भी फर्दर डिवाइड करेगी इंटर लोबार आर्टरी में, देन इंटर लोबार आर्टरी आपकी देगी आर्क्यूएट आर्टरी, देन ये जो आर्क्यूएट आर्टरी है ना वो आपकी देती है इंटर
लोबियल आर्टरी। अब तुम यहाँ से देखो, ये एब्डोमिनल एओर्टा से लेकर यहाँ तक ये अपना होता है इसका मेन आर्टरी सप्लाई। उसके बाद ये आर्टरी कहाँ कहाँ चली जाती हैं, जो अपना नेफ्रोन होता है ना, नेफ्रोन के ग्लोमेरुलस बना लेती हैं वो। तो इसमें हो जाएगा एफरेंट आर्टरियोल, देन ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टरियोल। ये पिंक से मैंने आपको नेफ्रोन का पार्ट दिखाया है। उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल से ये पूरा वापस वेन में चला जाता है। यहाँ से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये नेफ्रोन में आके अपना हो जाएगा फिल्टर, और बचा हुआ ब्लड वापस आपका चला जाएगा वेन में। तो वेन में सबसे पहले अपन देख रहे हैं इफरेंट आर्टरियोल, के बाद ये अपना होता है प्री ट्यूबुलर प्लेक्सिस। यहाँ पे एक रहता है प्री ट्यूबुलर प्लेक्सिस। उसके बाद हो जाएगा इंटेरियर लोबुलर वेन, मतलब जैसे आर्टरी थे ना वैसे ही वेन आपकी होंगी सिमिलर, कहाँ तक, 5 सेगमेंटल आर्टरी तक। उसके बाद ये आपकी बन जाएगी रीनल वेन, यहाँ पता है रीनल आर्टरी, तो ये है रीनल वेन। फाइनली अपना सारा ब्लड ड्रेन कर देगी इन्फीरियर वीने कावा में। तो पूरा मैंने आपको इसका ब्लड सप्लाई भी बता दिया, और यार इसका ब्लड सप्लाई जो होता है ना बड़ा टेक्निकल वे में होता है, लेकिन अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में तुम देखोगे ना तो सारी चीज़ कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूँ फालतू में तुम लोड मत लिया करो यार एनाटॉमी को लेके। तुम्हें बस करना क्या है, तुम बस मेरी वीडियो देखते रहो, मैं तुम्हारा पूरा एनाटॉमी करवा दूंगा, मैं सब अपलोड करने वाला हूँ। अगर तुम मेरे चैनल पे मेरे चैनल के साथ बने हुए हो तो तुम देख रहे हो अपन ने अपर लेम, लोअर लेम, थोरैक्स, पेल्विस सब करा है। देन एब्डोमिन भी अपन 50% तो कर ही चुके हैं, अब बस थोड़े से 2-3 और टॉपिक्स बचे हैं, देन ये भी हो जाएगा। उसके बाद अपन वही अपना हेड एंड नेक, न्यूरोलॉजी, एमरोलॉजी, हिस्टोलॉजी लेके एनाटॉमी पूरा खत्म कर देंगे। देन अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट बताऊं, लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसका सारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना किडनी का, वो अपना हो जाता है लेफ्ट एओर्टिक नोड्स में। फिर अगर अपन इसकी देखें नर्व सप्लाई, तो किडनी के नर्व सप्लाई जो है सिंपथेटिक, अब वो आपकी आती हैं T10 से N11 फाइबर तक, और ये मेनली अपनी होती है वेजो मोटर। और ये जो है एफरेंट नर्व जो है किडनी की बिलोंग करती हैं टू सेगमेंट ऑफ T10 से T12 तक। तो सारा मैंने आपको यार किडनी बता दिया, इसका मैंने आर्टरी, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई भी मैंने आपको बता दिया, भले ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। उसके अलावा किडनी के जो इंटरनल के स्ट्रक्चर हैं यार वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। अपन को पता है किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इंटीरियर में, एक कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो मैं वो आपको नहीं बता रहा क्योंकि अपन को इतना बेसिक होता है। देन अब मैं आपको मेरे सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और ये बताता हूँ कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो यार कभी अगर ये किडनी लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ना, वैसे इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर ये कभी 10 नंबर के लॉन्ग में आ गया ना, तो आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करेगा कि आप सबसे पहले किडनी के एक्सटर्नल फीचर लोकेशन लिखिए, फिर रिलेशन लिखो, फिर कैप्सूल लिखो, फिर ब्लड सप्लाई, और एक क्लिनिकल भी बोल देगा। तो हर पॉइंट के आपके, तो हर हेडिंग के इसके अलग अलग नंबर पहले से अलॉटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सटर्नल फीचर अगर तुम लिख दो बेहतरीन 2 पेज का लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसमें 2 नंबर हैं तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करके बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट लिखा करो, जितना मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फालतू क्वांटिटी में मत जाओ। आप उसमें पूरे एक्सटर्नल फीचर लिखो, देन पूरा जो जो आपको वह हेडिंग देगा आपको उस सीक्वेंस में लिख के आना है जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन इससे जो है लॉन्ग ना आके इससे आता है आपका एक शॉर्ट, और शॉर्ट कैसे आता है मैं आपको बताऊँ। इसके जो रिलेशन होते हैं ना, रिलेशन ऑफ किडनी, इसके ऊपर वो आपको दे देता है एक शॉर्ट लिखने को कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलेशन ऑफ किडनी, क्योंकि इसके रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा अपन को कन्फ्यूज करती हैं। तो आपको मैं बताऊँ किस तरीके से लिखना। सबसे पहले आप रिलेशन बोला है ना, तो डायरेक्ट नहीं रिलेशन लिख दिया। अगर मान लो अगर ये वेरी शॉर्ट में आया है, अगर वेरी शॉर्ट में आया है 2 नंबर में, तो आप डायरेक्ट कुछ फालतू ज़्यादा नहीं लिखना। अगर 2 नंबर में आता है पहले आप लिख देना रिलेशन कॉमन टू बोथ किडनी, जो दोनों किडनी है उसमें जो कॉमन रिलेशन है वो लिख देना पहले, अपर पोल के मीडियल पोल पे, देन पोस्टेरियर रिलेशन
और फिर इसके इंटीरियर रिलेशन राइट के, इंटीरियर रिलेशन लेफ्ट के, ये सारे रिलेशन लिख देना। और दो नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। दो नंबर में आए तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख दो उसको, लेकिन ये दो नंबर में वो ना दे के अगर वो आपको एक शॉर्ट में दे दे तो फिर तुम कैसे लिखोगे? पहले तुम बिल्कुल हेडिंग डालो किडनी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रिलेशन डायरेक्ट लिख दिए, नहीं। अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो पहले डालो किडनी हेडिंग, फिर उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के, उसका लोकेशन लिख देना, थोड़ा सा इंट्रो लिखो, उसके बाद फिर तुम हेडिंग डालना किडनी के ऊपर। देन फिर आप किडनी के सारे जैसे मैंने रिलेशन तुम्हें बताए हैं ना, वैसे सारे रिलेशन लिख देना। और फिर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये वाला इसके इंटीरियर रिलेशन का डायग्राम और फिर इसके एक पोस्टीरियर रिलेशन का डायग्राम। और क्या होता है इसका जो डायग्राम है ना इंटीरियर रिलेशन का, ये भी खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट है। अगर सेशनल है, पीसीटी है, तो वो आपको क्या बोलेगा, राइट है तो आपको क्या बोलेगा, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। तो डायग्राम तो वो डायरेक्ट आपसे डायग्राम ही पूछ सकता है, इसलिए क्या करा, किडनी यार पूरा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पूरा दे दिया, सारे नोट सब प्रोवाइड कर दिया, अब तुम इसके हिसाब से उसको पूरा प्रिपेयर कर लेना, तो ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये वाला कवरिंग ऑफ किडनी। तो इसके ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा ना, तो जैसे मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाया है ना, पहले लिखना वो इंट्रोडक्शन, फिर तुम एक एक कवरिंग को अच्छे से क्लियर में समझाना। और यार उसको तुम पैराग्राफ में ना लिख के अगर तुम पॉइंट में लिखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ इससे आराम से तुम्हारा 1.5 पेज भर जाएगा। उसके बाद अपन को उसका एक डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, दो डायग्राम, देन कुल मिला के आपके जो है 2.5 पेज आपके फिल हो जाते हैं, आप इसमें अच्छे से लिख दोगे, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए क्या फर्दर टाइम वेस्ट मत करो, बड़ा ना लिखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखो। फिर फाइबर कैप्सूल हेडिंग डाल के इसके सारे पॉइंट लिखना, प्रीनेफ्रेटिक फैट लिख देना, फिर रीनल फेशिया बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में लिखना, पहले डेफिनेशन फिर एक्सटेंशन लिख के, फिर सुपरफिशियली कैसे जा रहा है, इन्फीरियर कैसे जा रहा है, लेटरल और मीडियल इस तरीके से लिखो। उसके बाद प्रीनेफ्रेटिक फैट भी लिखना। देन मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया था, एक ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बना के आ जाना और उसकी पहले का तुम प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, देन फिर तुम उसको स्पीड में बना पाओगे। और यार अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को कर लो तुम लाइक, मैं इसी तरीके से सारा वीडियो लाता रहता हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे फर्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट हैं, उनको बिल्कुल फालतू में मेहनत ना करनी पड़े। और मेहनत से ज़्यादा होता है लोड, यार लोड बिल्कुल मत लो, प्रेशर में बिल्कुल मत आओ एनाटॉमी को देख के। सबसे ईजी टॉपिक तो मुझे एनाटॉमी ही लगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ने की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, लेकिन मैं सारे टॉपिक कवर कर ही रहा हूँ आपके लिए। देन नेक्स्ट जो अपनी वीडियो है वो अपनी होने वाली है सीकम और अपेंडिक्स पे। और यार अपेंडिक्स की वीडियो तुम देख लेना, मैंने ऐसे इतने अच्छे से सारे नोट्स बनाए हैं अपेंडिक्स के तुम्हारे लिए। उसकी जो पोजीशन होती है ना, एक्चुअली मैं जब तुम मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा अपेंडिक्स जो है ना ऐसे गोल गोल घूमता है, अपने हर घंटे वो अलग पोजीशन में होता है। तो उसकी सारी पोजीशन मैं तुम याद कर रहे हैं कि ट्रिक्स सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को तुम बने रहो मेरे साथ।